सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बीस साल पुराने काले हिरन शिकार मामले में आज जोधपुर की सीजीएम कोर्ट ने सलमान खान की किस्मत का फैसला होगा। इस मामले में उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और एक स्थानीय व्यक्ति भी आरोपी है। सभी सुनवाई के लिए जोधपुर में ही है। अगर सलमान मामले में दोषी करार कर दिए जाते हैं और उन्हें जेल जाना पड़ा तो वो आसाराम के साथ रहेंगे। स्थानीय अखबारों के मुताबिक जोधपुर में सलमान के मामले की सुनवाई के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। कोर्ट के बाहर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट के अंदर आरोपी और उनके वकील ही जा पाएंगे। सलमान के बॉडीगार्ड सेरा समेत दूसरे बाउंसर्स को बैरिकेड के बाहर ही रुकना पड़ेगा। कुछ खबरों के मुताबिक सजा की स्थिति में सलमान को सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 2 में रखा जा सकता है। इसी बैरक में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का आरोपी आसाराम भी बंद है। अभिनेत्रियों को सजा मिलती है तो उन्हें सामान्य कैदियों की तरह ही महिला बैरक में रखा जाएगा। पिछली बार सजा के बाद सलमान खान को बैरक नंबर 1 में रखा गया था। वो अगस्त में 7 दिन के लिए जेल में रहे। उस दौरान उनकी पहचान कैदी नंबर 343 के रूप में थी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।